वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाबदादौ सङ्कीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेशवर्धिता कान्तौ राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्ताविहीनापराधलक्ष्यैः तिक्तासि कामादितरङ्गमध्यैः कृपामयि त्वं शरणप्रपन्न वृन्द नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोक हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्रीजीवन कुरुत मंद मतीर दयान्वरा तमादि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुविदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुप्रीतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया करभो विनयं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवदादि गौरभक्तवृन्द बलहरे कृष्ण 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 राम बोल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म वितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परिशिक्षा गुरुपाद पद्म वितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नारद जी श्री प्रह्लाद महाराज के पास में पहुंचे। बोले प्रह्लाद तेरे जैसे भक्ति जगत में किसी को अंदर में दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए प्रह्लाद महाराज को क्या बताए। बोले श्री भक्त श्रेष्ठ प्रह्लाद महाराज की जय। कहते भक्तों में इनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया। बोले क्यों। बोले 5 साल उम्र में मैंने भगवत प्रकट कर दिया खंभे से। 5 साल उम्र में बच्चों का बचपन होता है, बच्चे खेलते कूदते हैं, लेकिन इतने बचपन उम्र में उन्होंने भगवान की भजन साधन की, ये कोई साधारण बात नहीं। और जिस समय इसने भजन करने के लिए कोशिश की, गतकल्य श्रवण कर रहे थे, कहते उनकी पिता होते हुए भी उन्होंने बच्चे को मारने के लिए बताया और जितने सब जीत जान लगा दी। जब किसी तरह से मार नहीं सके
संख्या मेरे को बोले कोई चिंता मत कर। कभी गुरु जी बड़े गुरु जी गए थे, बोले कहाँ, बोले बाहर गए थे, आएंगे तो छोटा बच्चा है समझ जाएगा, इसलिए आप इतने विचलित मत हुआ करो। बोले इसको फिर इसको स्कूल में भेज दो। फिर उन्होंने स्कूल को उन्होंने भेज दिया तो बच्चे लोग खेलने को लग गए हैं। जब बीच में खेल छुट्टी होता है बच्चे खेलने के लिए तैयारी हो, चलो खेलते हैं। इतने में प्रहलाद ने क्या बोले, बोले बच्चों आज एक हम नया खेल खेलेंगे। बोले भैया नया खेल, ये बच्चा किसका है, पास में बैठा हो। बोले नया खेल खेलेंगे। बोले नया खेल क्या खेलेंगे, बोले चलो वहां बैठ करके भगवान की कीर्तन करते हैं। बोले प्रहलाद हमने सुना भगवान का भजन ये रिटायर्ड लाइफ में करते हैं, जब बड़े बड़े हो जाए कोई काम धाम कुछ रहे नहीं है, जैसे है अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम लिखाई पढ़ाई करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, फिर शादी शुदा होगा, फिर उनकी बच्चे होंगे, उनको बच्चों को फिर शादी कराएंगे। शादी करा करके जब सारे काम से हम फ्री हो जाएंगे ना, फिर तो एक दो माला घर लेंगे। तुम अभी से क्या बोल रहे हो भजन करने के लिए, इसलिए दत्तकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे और हमारे गजेंद्र प्रभु बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हमें बचपन से क्यों भक्ति करनी चाहिए, इसका क्या कारण है। इन्होंने कारण क्या बोले, कारण ये बताए बचपन से जो संस्कार डालो ना वो संस्कार से एकदम पक्की रहती है। इसलिए बच्चों को हम कब पढ़ाते हैं, बचपन में पढ़ाते हैं, बुढ़ापा में नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए जब मिट्टी कच्चा होना, कच्चे मिट्टी से जो कुछ बनाना चाहो बन जाएगा, लेकिन ये मिट्टी जब पक जाए फिर उसमें कोई चीज बनती है, पक्की चीज में कोई चीज नहीं बनती। प्रभु बैठ जा, चुपचाप बैठ, बात मत कर, फिर हो गया। इसलिए जब बांस कच्चा रहता है, कच्चे बांस को जिधर जैसे टेढ़ा करना चाहोगे वो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन बांस जब पक जाए वो टेढ़ा होगा, वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। वो जब किसी छोटे पौधे को हैं, छोटे पौधे को एक जगह से उखाड़ करके अब दूसरे जगह में लगा दो, देखना वो पौधा तो जम जाएगा, लेकिन उसका जड़ एकदम ज्यादा नीचे चली जाए, वहां से उखाड़ करके अब दूसरे जगह में लगा वो और लगेगा नहीं और जमेंगे नहीं हो है। इसलिए जब कागज कोरा कागज हो ना, कोरे कागज में आप जो कुछ लिखना चाहो तो कोरे कागज में लिख जाएगी, लेकिन एक बार लिखने के बाद फिर उसको ऊपर में दो बार लिखने के लिए जाओ, लिख सकते हो, नहीं होगा है। इसलिए फूल जब खिला हुआ रहता है वो खिले हुए फूल को हम ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल जब मुरझा जाए फिर वो ठाकुर जी के चरण में चढ़ता है, फिर मुरझा हुआ फूल ठाकुर जी के चरण में नहीं चढ़ती है। इसलिए खिला हुआ फूल ही ठाकुर जी के चरण में चढ़ सकती है। इसलिए प्रहलाद ने कहा भैया ये बताओ ये रिटायर क्यों करते हैं, बोलते ना रिटायर लाइफ में भजन करेंगे, रिटायर क्यों करते हैं, जब देखते हैं ये और 8 घंटा 10 घंटा बैठ करके और काम करने के लायक नहीं हो रहे है, कमर में दर्द हो गया, घुटन दर्द कर रहा है, बैठने पर उठने का शक्ति नहीं। बोले भैया जो कुछ होना तुम्हारी होके घर में जाओ, हाँ अपना घर में जाओ, अभी तुम्हें से कुछ होने वाले नहीं। जब साधारण सरकार तुम्हें रिटायर कर दिया, निकाल दिया, और जो भगवान की जो भजन है कहते हैं ना, जनम जनम मोहि जात ना करारी, जनम जनम मोहि जात ना करारी, जनम जनम मोहि जतना करा रे जतना करा रे अंतरा मां करिया बसना रे अंतरा मां करिया बसना रे।
देखो इसमें दो अर्थ है। आप लोग हिंदी समझते हो? कौन कौन हिंदी समझते हो? सब समझते हो ना? जब ये प्यार में ध्यान दो वो क्या कहते हैं, उसमें दो मीनिंग है। एक साधारण मीनिंग है, बोले जन्म जन्म मुनि जतन करा, मुनि लोग जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी अंतराम कहीं आवत नहीं। भैया अंतिम समय में राम का नाम आना बड़ा कठिन है, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कर, जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं, फिर जाकर के अंतराम कही सारा जीवन भर रील में जो भरा हुआ वही तो निकलेगा ना। अगर जिंदगी भर रील में कीचड़ भर दिया पर अंतिम समय में कीचड़ ही निकलेगा है। हम कहते हैं ना बुढ़ापे में भजन करके, आप बैठ करके भजन करो, आप बैठो 10 मिनट बैठो आज ठाकुर को याद करके देखना, 10 मिनट में 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा। आंख बंद करके बेटा बेटी नाती पोती बहू दुनियादारी जिंदगी में जो रील में भरा हुआ ना, और रील में जो भरा हुआ तो वही तो निकलेगा ना। हम रील में तो प्रभु का भक्ति भरे ही नहीं, तो भक्ति आएगा कहाँ से, जीवन में जो भरे हुए वही तो निकलेगा ना। इसलिए क्या कह रहे हैं, बोले भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराई। इसलिए मुनि लोग क्यों जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं, कारण है जम जम व्यापी शरण भाव तेजत अंत कलेवरम तम तम एव कौंतेय सदा तद्भाविभावित। कृष्ण कहते हैं अर्जुन सारा जीवन जिस चीज को हम याद करते हैं, सारा जीवन जो चीज को हम याद करते हैं वही चीज ही लास्ट में निकलेगा। इसलिए क्या करो, अंते नारायण स्मृति, सभी अंतिम समय में भगवान की स्मरण आता है बस। अंत राम कही, अगर अंतिम समय में राम का नाम निकल गया ना, फिर आवत नहीं, फिर संसार में तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। इसलिए भजन किसी उम्र से करनी चाहिए। प्रहलाद कहते 5 साल से, 5 साल उम्र से भजन करो है। बोले क्यों, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे, बोले कोई जानते क्या तुम्हारे पास में, नहीं तो अगले जीवन में। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्म, भगवान सहज में ये शरीर नहीं देते हैं, बड़े भाग मां सुरा दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिले। देखो प्रहलाद बहुत बढ़िया बात लास्ट में कहते हैं, ये चीज को याद रखो। प्रहलाद ने कहा बच्चों ये कहते हो रिटायर लाइफ में भजन करोगे, बोले हाँ। तो देखो तुम्हारी सारा जीवन का मैं हिसाब देता हूँ, मानो एक इंसान 100 साल जिंदा रहेगा, हाँ। बोले दिन आधा रात आधा, बोले हाँ। बोले रात को तो 100-100 करके 50 साल बीत जाता है, 50 साल गया तुम्हारे और कितना साल रह गया, 50 में देखना बच्चों का बचपन कम से कम 10 साल तक रहता है, खेलना कूदना बच्चों को साथ में, 50 और 10 कितना हो गया, 60, 20-25 साल तक पढ़ाई लिखाई करना कोई भी विषय नहीं, 25 साल गया, 50-25 कितना हो गया, 75, 75 हो गया और कितना बचा, 25। 25 साल में जो बुढ़ापा है आप देखना, 80 साल से लेकर 100 साल तक जो जीवन है किसी काम का नहीं, आज कमर में दर्द, कल हाथ में दिखाई नहीं पड़ रहे, परसों कान में सुनाई कम लगने लग गया, बैठ गए तो उठने का सिम्मत नहीं होता है, हाथ में दर्द, घुटने में दर्द है, पेट में दर्द। आप देखना 80 साल के बाद में वो सारी बीमारी एक एक करके बीमारी 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 आने लग जाता है, केवल अंतिम समय केवल शरीर को चिंतन होता है, केवल शरीर का चिंतन करते 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 बस गया। 20 साल से ऐसे चल जाते हैं और बीच में 5-10 साल बाकी रह गया, उसमें बढ़िया करके नौकरी करना, फिर शादी करना, बच्चों को जन्म देना, उनको लिखाई पढ़ा करना, उनको भी शादी शुदा करवाना। अब देखना
कितने कितने हमारी कामनाएं अपूर्ण, जैसे समुद्र में लहरी है ना, देखो समुद्र एक लहर खत्म हो गई, फिर पीछे और एक लहर, वो लहर खत्म हो फिर पीछे लहरी, लहरी तो बाद में लहरी 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 खत्म नहीं होता। इसलिए 100 साल हो गया, देखना 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठे, ये करना हमें, वो करना हमें, वो करना, कितने कितने। इसलिए प्रहलाद ने बोले, बच्चों ये बताओ, तुम कहते हो बुढ़ापा में भजन करोगे, मैं संपूर्ण तुम्हारे जीवन का मैंने हिसाब दे दिया, बताओ तुम्हारे पास में समय कहाँ बुढ़ापा में भजन करने का। इसलिए बच्चों भगवान की भक्ति के द्वारा उनने लास्ट में बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा दी। देखो हम जो कुछ कहते हैं ना, प्रहलाद कहते हैं, आप बताओ कोई जीवन में अपना घर में कोई दुख को बुलाते हो, कोई दुख पर निमंत्रण देते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के दुख आती ही नहीं, बोले आती ही नहीं, आता है। बोले जब बिना कोई दुख पर कोई निमंत्रण देते नहीं, बगैर निमंत्रण के दुख आती है। इसलिए अगर ये ललाट में अगर ये सुख लिखा हुआ होगा ना, ये कहीं नहीं जाए, वो आएगा। क्यों? पहले लिख गए, पहले ये लिख गई है क्या जीवन में होना नहीं होना, पहले सब कुछ ललाट में भिजाता नहीं, सब कुछ उन्हें लिख चुके हैं, नहीं चाहने पर भी वो तुमको आएगा ही। इसलिए बच्चों, लेकिन हम करते हैं क्या जीवन को, केवल दुख का प्रतिकार करते 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 जीवन खत्म, शायद ये दुख दूर होने पर सुख आएगा, लेकिन देखना एक तो दुख दूर हुई नहीं, सामने दो दुख है, फिर कोशिश करते भैया ये दो दुख कैसे दूर हो जाए, फिर तीसरे दुख, ऐसे करते 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 जीवन खत्म, जीवन समाप्त हो जाता है। इसे तो प्रहलाद महाराज ने एक बढ़िया सुंदर उदाहरण दिया, बोले देखो, उन्होंने एक अच्छा उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने बोला देखो ये दुख आता है क्यों, ये चीज जड़ से देखो, ये दुख आने का मूल कारण क्या, बोले एक ही कारण है, हम सब भगवान के संतान हैं, हम अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान के संतान हैं, ये सारे दुख का एक ही कारण है, हमने भगवान को भूल दिया, इसलिए ये सारे दुख आ रहा है। लेकिन जब हम भगवान को स्मरण करने लग जाए, अब तब हनुमान दिन भर क्या करता है, रघुपति राघव राजा राम पति का पावन सीताराम, 26 घंटा प्रभु का नाम और ठाकुर का सेवा में खुला हुआ है, और अपना दुख तो गया और सारा दुनिया का दुख भी दूर करते हैं। इसलिए प्रहलाद कहते बच्चों, जो मूल जो जड़ का जो बीमारी जो चीज को पकड़ लो, अगर जड़ से नहीं पकड़ोगे ना, है तो जिंदगी भर करते 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 खत्म हो जाएगा। जड़ वस्तु है क्या, जैसे एक कांटा चुभ गई, कांटा चुभ गई तो कांटा को निकालने के लिए और एक कांटा चाहिए, बस एक कांटा से दूसरे कांटा निकाल दोनों को ही फेंक दिया। उसी तरह ये दुख का जो जड़ है, हम भगवान को भूल गए, इसलिए भगवान की बहिरंगा शक्ति ये संसार रूपी दुर्ग बनाया, और हमें उनको पास में त्रिशूल है ना, दुर्ग में त्रिशूल देखना, त्रिशूल मतलब क्या, आध्यात्मिक आदि दैवी और आदि भौतिक, ये त्रिशूल है, सत्व रज तम ये त्रिशूल है, और इसी से ही हमें दुख कष्ट दुख कष्ट ये दुख कष्ट दे रही है। अगर हम ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाए ना, फिर यही महामाया जोग माया बन करके हमें भगवान तक पहुंचा देता है, ठाकुर तक ही हमें पहुंचा देता है। इसलिए प्रहलाद ने कहा देखो बच्चों, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान की भक्ति में जैसे तुम्हारे दुख दूर होगा, और जगत में कोई उपाय नहीं जो कि ये दुख दूर करने का। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे बढ़िया चीज है ना, अकेले नहीं खानी चाहिए, सबको देख कर खानी चाहिए। बोले प्रसाद को बांट कर खाओ, फिर बैठो तो जाओ। चलो हम सबके साथ भगवान का जो नाम कीर्तन है ना, ये गली गलियों में
गली गलियों में जा करके प्रभु का नाम कीर्तन करेंगे, सभी की कानों में ठाकुर का नाम पड़े, सभी का उद्धार हो। उठाया मजीरा और मृदर, बस एक प्रह्लाद थे और सारे प्रह्लाद हो गए। अभी गली गलियों में प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे हैं, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे मेरे देश में ऐसे कौन व्यक्ति मेरे देश में हरि का नाम ले रहा है, मेरे डर डर से त्रिभुवन थरथर कांप रहा है, इंद्र को भी भगा कर उसका आसन मैंने दखल कर दिया, ऐसे किसी का हिम्मत है मेरे देश में मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, एक सिपाही को भैया देख कर क्या हो तो क्या हो रहा है, ये हरि का नाम कौन ले रहा है। उसने आकर देखा, बोले हे भगवान एक प्रह्लाद था, ये सबके सब प्रह्लाद बना दिया, देखना बोली ये बीमार तो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, देखना अगर अपना गलियों में एक तिलकधारी कंठीधारी बन गए ना, बस देखना एक गुरु बन जाता है बड़े जल्दी, ये बीमारी बड़ी जल्दी जल्दी फैलता है, हैं? एक कंठी तिलक माला पहन लिया तो पूरा धीरे 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 सबको कंठी तिलक माला पहना करके सबके सब भगवान की भजन करने लग जाते हैं। इतने में उसने प्रह्लाद को मना करने के लिए गया, तेरे पिताजी मना कर रहे हैं ना मत क्या करो, लेकिन जब उसको स्पर्श किया ना, लेकिन उसको शरीर में तो हजार वोल्टेज की हाँ कृष्ण भक्ति की करंट चल रहा था, जब उसने इसको स्पर्श किया, स्पर्श करते ही उसको अंदर में जो कृष्ण भक्ति की जो रस प्रवाह हो रहा था इसकी अंदर में भी आ गया। बोले तो भैया हरि का नाम तो बड़ा मीठा है, भगवान का नाम में तो बड़ा आनंद है, हरि है ना, हरि मतलब क्या जो हमारे दुख कष्ट को हर लेते हैं, कृष्ण मतलब क्या मन को जो आनंद देते हैं, राम मतलब जीवन में आराम देते हैं, इसलिए भगवान का नाम मधुरम मधुरम है, तो मधुर से भी मधुर भगवान का नाम, मीठे से भी मीठे ठाकुर जी का नाम, इससे दुनिया में कोई भी ज्यादा मीठा प्रभु के भक्ति के सिवाय जगत में इतने मीठा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए महाप्रभु बोले प्रतिपदम पूर्णाम मृतास्वादनम, भगवान के नाम में हर समय आनंद बढ़ती है, कभी इसमें आनंद कभी घटती नहीं, लेकिन दुनिया में हर आनंद को देखना घटेगा, हर आनंद बढ़िया से बढ़िया सिनेमा आया एक बार लिख दिया, दो रात तीन बार देख लिया उसको इच्छा नहीं करेगी, चार बार देख लेना बैठने की मेरी इच्छा नहीं करेगी जगत में है, इसलिए कोई बढ़िया रसगुल्ला खा बोले कैसे, बोले बढ़िया मीठा है, दूसरा खा बोले ठीक, तीसरा ठीक, चौथा बोले नहीं नहीं, अगर चौथा खा लिया ना पंचमा खाओ तो उल्टी हो जाएगी, हाँ तुम्हारी उल्टी हो जाएगी दुनिया में। पहले जब शादी करते हैं क्या लगता है, हाँ एक चंद्रमा आकाश में और चंद्रमा मेरे पास, वो चंद्रमुखी लगती है, बाद में वही चंद्रमुखी फिर तो सूर्यमुखी, बाद में फिर ज्वालामुखी, फिर आई